सलाम है उन बच्चों के जज्बों को जो विषम परिस्थिति होने पर भी विद्यालय जाना बंद नहीं करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। आज हम जानेंगे विभिन्न राज्यों के उन बच्चों के हौसलों के बारे में जो विषम परिस्थिति होने पर भी विद्यालय जाना बंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं असम के बारे में। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि पानी घुटनों तक चला आता है। इस परिस्थिति में जो बच्चे हैं एक हाथ से किताब लेकर के और एक हाथ से जो है बांस और रस्सी से बने पुल को एक हाथ से पकड़ते हुए वो विद्यालय पहुंच जाते हैं। दोस्तों लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। तो लद्दाख में क्या होता है कि काफ़ी चौड़ी और गहरी नदियां हैं वहां पे, और नदियों को पार करने के लिए लोहे की जो रस्सी होती है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है पेड़ों और बड़े बड़े जो है पत्थरों में बंधा होता है, और इससे लटकती हुई पुली के द्वारा सरकती हुई एक ट्राली इस साइड से उस साइड पार होती है, जिसमें 4-5 बच्चे बैठ करके जो है आसानी से पार हो जाते हैं और विद्यालय पहुंच जाते हैं। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चूँकि राजस्थान में जिधर भी आप देखिए उधर क्या है, रेत ही रेत है। गर्मी में क्या होता है कि ये रेत गर्म हो जाती है, इसलिए वो तपती है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऊंट गाड़ी, चूँकि रेगिस्तानी क्षेत्र है तो यहाँ पे ऊंट चलते हैं, तो वहाँ पे ऊंट गाड़ी से जो है बच्चे बैठ करके विद्यालय पहुँच जाते हैं। केरल, दोस्तों केरल में क्या है कि नाव वल्लम, नाव को वहाँ पे क्या बोला जाता है, वल्लम, वो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, इसमें बैठ करके बच्चे विद्यालय आसानी से पहुँच जाते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि एक मैदानी गांव में बच्चे किस तरह से विद्यालय जाते हैं। तो मैदानी गांव में जो बच्चे हैं वो बैलगाड़ी पर बैठ करके जो है कि हरे हरे खेतों के बीच से जो रास्ता गया होता है वो वैसे होते हुए वो अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।